ही आपने पहली पढ़ी है। ये तो है बहुत, सभी लोग यहाँ डाल जाते हैं कूड़ा। बारे में कई बार जानकारी दी जा चुकी है लोकल पार्षद को, नगर निगम के अफसरों को, और उत्तर प्रदेश सीएम वाले पोर्टल पे भी इसकी जानकारी दी जा चुकी है। एक ओर जहां शहर को स्मार्ट बनाने की तैयारी हो रही है, वहीं कानपुरवासी अपने ही शहर और इलाके को गंदा करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। नगर निगम के लाखों बार समझाने के बाद भी लोग जगह जगह कूड़ा फेंकना बंद नहीं कर रहे हैं। मामला है हर्षनगर के आचार्य नरेंद्र देव महिला कॉलेज का, जहां कॉलेज के पिछले गेट पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है। वहीं नगर निगम द्वारा इस कूड़े के ना उठने से कॉलेज प्रशासन एवं इलाके के लोग बेहद परेशान हैं। कूड़े की वजह से कॉलेज में पढ़ने आने वाले छात्र छात्राओं को भी काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। डॉक्टर राजन भार्गव ने बताया कि कूड़ा उठान न होने को लेकर नगर निगम को कई बार सूचित किया गया, साथ ही सीएम पोर्टल पर भी इसको लेकर शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। सुनिए और क्या कुछ कहना है वहां के निवासियों का। मैं डॉक्टर राजन भार्गव, नाक कान गले का सर्जन हूं। हर्षनगर में मेरी क्लिनिक है, एएनडी कॉलेज के पीछे वाले गेट के सामने। वहां पे ये गंदगी और कूड़े की समस्या हमेशा बनी रहती है। दिन भर सवेरे सफाई होने के बाद लोग दिन भर यहाँ पे कूड़ा डालते रहते हैं, जिससे जानवर वगैरह सब विचरण करते हैं, कूड़ा फैलाते हैं और मुश्किल होती है। क्लिनिक में आपको पता ही है कि बीमार लोग आते हैं और गंदगी में उनका सामना होता है और बीमारी बढ़ती है, और सारे लोगों को परेशानी है, मोहल्ले वालों को, रहने वालों को, और हमारे यहाँ मरीजों को, सबको इसके कारण बहुत दिक्कत हो रही है। आचार्य नगर देवनगर का ये महिला विद्यालय है हर्षनगर में, और क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे इतनी महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं। इसके बारे में कई बार जानकारी दी जा चुकी है लोकल पार्षद को, नगर निगम के अफसरों को, और उत्तर प्रदेश सीएम वाले पोर्टल पे भी इसकी जानकारी दी जा चुकी है, मगर उसके बावजूद भी कुछ दिन काम होता है, सफाई होती है, मगर इसका स्थायी समाधान नहीं मिल पा रहा है। परवेज है, और एनडी कॉलेज के पीछे यहाँ पे अभी मैं निकल रहा था, और उसके बाद में यहाँ पे इतनी गंदगी होती कि हम लोगों को ढांचा लगा के निकलना पड़ता है, और नगर निगम वाले दो दिन एक दिन पे आते हैं, और उसके बाद में डॉक्टर साहब भी यहाँ पे रहते हैं। काफ़ी बार डॉक्टर साहब ने भी बोला कि क्या नाम है, यहाँ से कूड़े की सफाई करवाओ, वो एक दिन आते हैं और दो दिन नागा करते हैं। उसके बाद में अभी आप जाके देख सकते हैं कितना यहाँ पे गंदगी फैली हुई है। कौन सी जगह है ये? हर्षनगर में है, एनडी कॉलेज के पीछे। गंदगी तो है बहुत, सभी लोग यहाँ डाल जाते हैं कूड़ा। क्या कहना चाहेंगे स्मार्ट सिटी के तहत? सफाई होनी चाहिए इसकी। गेट पे है, महिला गेट है। हाँ, स्कूल है यहाँ बच्चों का, बगल में क्लिनिक भी है। काफी सफाई होना चाहिए, काफी बार कहा भी गया, तब भी गंदगी यही रहती है। अगर ये इनको कराना है नगर निगम को, तो अपने रखवा दें, उसी में सब पड़ा रहे। मेन गेट पे कूड़ा है, रोड है मेन, यहाँ से लोग निकल रहे हैं। अगर उनको कराना ही है तो एक गाड़ी आगे खड़ी करा दे, उसी में सब लोग डालते रहे, अपना उठा ले, तो ठीक है। और ऐसे तो फैलाना है तो गंदगी है, बीमारी फैलेगी इससे, सब कुछ है। सर जी को भी बताया है, कितनी गंदगी यहाँ पे फैली पड़ी है। गंदे यहाँ पे, ये देखिए गंदे गंदे सब कपड़े पड़े हुए हैं, गंदगी पड़ी हुई है, गोबर पड़ा है, सब पड़ा है। आने जाने वालों को भी दिक्कत होती है यहाँ पे। Hey there.
subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.